हमारे पास फास्ट फूड, बारबेक्यू, पिज़्ज़ा और कीमे की मशीन है, आलू छिलने की मशीन है, सब बनती हैं, तैयार होती हैं। और कीमे की मशीन के हवाले से हमारे पास कमर्शियल की मशीन भी है और हमारे पास घरेलू इस्तेमाल की मशीन भी है और पकवान सेंटर की भी है, कैंटीन की भी है, ठीक है। और जो बकरा ईद की आमद है उसके सिलसिले में जो गली और चौकों पे जो मशीनें लगती हैं उस हवाले से भी कमर्शियल मशीनें हमारे पास हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास ग्राइंडर मशीन है, घर की है, कमर्शियल है, जिसके अंदर आप गरम मसाला, दाल, चीनी, लौंग, इलायची, ज़ीरा, हल्दी पीस सकते हैं। और इसके अलावा अदरक, लहसुन, चटनी, रायता ये पीस सकते हैं, ठीक है। फास्ट फूड मतलब किचन के हवाले से कमर्शियल किचन हम पूरा तैयार करके देते हैं भाई, और किचन के हवाले से सारे इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद हैं। ये कमर्शियल है, 37 नंबर है, 40 नंबर है, 32 नंबर है, 37 नंबर है, ये सारी कमर्शियल मशीनें रखी हुई हैं। मिक्सर पड़ा हुआ है, इसके अंदर केमिकल मिक्सिंग वगैरह, सरफ मिक्सिंग जो है वो सारे मिक्सिंग के काम होते हैं ये, ठीक है। ये मिक्सर मशीन है, ये देखो। तो हमारे पास ये आटा गूंदने की मशीन पड़ी हुई है, ये 100 किलो आटा जो है वो 5 मिनट के अंदर गूंदेगी जी। 100 किलो आटा इसके अंदर हमारे पास कम साइज़ का भी है, बड़ा साइज़ का भी है, 50 किलो वाली भी है, 30 किलो वाली भी है। और ये रोटी का प्लांट है, रोटी का प्लांट जी, ये रोटी का प्लांट है। इसके आप एक तरफ से रोटी रखेंगे और दूसरी तरफ से आपको रोटी तैयार मिलेगी। और ये आटा पीसने की चक्की है, इसके अंदर आटा आप पीस सकते हैं, गरम मसाला और चने का बेसन बना सकते हैं इसके अंदर, बाजरे का आटा, गंदम का आटा, ये सारे कमर्शियल यूज़ की मशीन है ये। उसके ऊपर जो ये सेट रखा हुआ है ये पकवान का सेट है, इसके अंदर प्याज, गाजर, मूली, शलजम, लौकी, टमाटर ये कटते हैं। और इसके अंदर अदरक, लहसुन, कीमा, हरी मिर्चें, चटनी ये बनाई जाती है। आजकल जो भी आपने पकवान वाले देखे होंगे उनके पास ये मशीन लाजमी मौजूद होगी, अगर प्रोफेशनल काम करने वाले हैं तो उनके पास ये मशीन लाजमी मौजूद होगी। और फिर ये हमारे पास ये कीमे की मशीन है, SS के अंदर, ये SS के अंदर बनी हुई, देखें जी, ये SS पूरा कवर्ड किया हुआ है इसमें। और कुछ लोग आते हैं जैसे बड़े रेस्टोरेंट वाले होते हैं जो मतलब उनको फूड ग्रेड मशीनरी चाहिए होती है, तो ये फूड ग्रेड के अंदर हमने बनाई हुई है SS के अंदर। इसके अलावा फिर ये हमारे पास से ये मशीनें लेके गए थे लास्ट ईयर, तो इस साल ये बकरा ईद के मौके पे जो है ना ये सर्विस करवाने के लिए मशीनें लेके आए हैं हमारे पास, कि भाई इस साल फिर वो 3 दिन जो है बकरा ईद का काम करेंगे और इसकी जो सर्विस है, जो धार वगैरह लगनी है वो लगाने के लिए वो लेके आए हमारे पास। जी जी बिल्कुल, सर्विस भी हम इसकी रिपेयरिंग, सर्विस, धार जो है हर चीज़ हम सारा खुद करते हैं काम। ये हमारे पास ये एक काउंटर है, ये सालन, इसे सालन की बहन मेरी कहते हैं। जैसे बड़े रेस्टोरेंट में और बड़े इदारों के अंदर जो किचन बने हुए होते हैं, जहाँ कंपनियों के अंदर जहाँ पे वो उनकी लेबर का खाना बनता है, तो ये सालन की डिश है जी, इसके अंदर सालन होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक है, इसमें सालन आप डालेंगे तो सालन आपका मेंटेन ही रहेगा, गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं होगा। अच्छा जी, इसकी ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम इसका ये लगा होगा यहाँ पे जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका भाई जाम उस्मान, आप देख रहे हैं जाम उस्मान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ पान मंडी जोड़े बाज़ार के करीब। यहाँ आने का मकसद जनाब ये है कि जैसा कि आप दोस्तों के इल्म के अंदर है कि बकरा ईद करीब है, अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, तो सोचा इस हवाले से आप लोगों को अपडेट दी जाए। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, वो इसलिए ख़ास है कि मैं आ गया हूँ भैया ऐसी ज़बरदस्त शॉप पर, जहाँ पर आपको जनाब फास्ट फूड की तमाम तर मशीनरी और ख़ास तौर पे कीमा बनाने वाली जो मशीनें होती हैं ये जनाब आपको मिलेंगी होलसेल प्राइस के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप कोई छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ पैसा लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़े से इन्वेस्टमेंट करें और जिससे हमें कुछ इनकम हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल मशीनरी भी दिखाएंगे, जिसके अंदर शोरमे की मशीनें भी होंगी, इसके साथ कीमे की मशीनें भी होंगी और इसके साथ तमाम मशीनरी जो होगी आपको इंशाल्लाह जितनी मशीनें आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएँगे अच्छी कीमत में परचेज़ कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो शॉप के ओनर ओन भी हमारे साथ है, मज़ीद जानेंगे इनसे कि इनकी शॉप पर कौन कौन सी मशीनें होती हैं और क्या क्या प्राइस चल रही हैं और आप दोस्तों को इसमें से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खैरियत से ठीक ठाक हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? आप से सब ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमारे तमाम व्यूअर्स को अपना और अपनी शॉप का थोड़ा तारुफ करा दें। सर, अली सन्स फूड मशीनरी हमारी शॉप का नाम है और हमारे पास फास्ट फूड, बारबेक्यू, पिज़्ज़ा और कीमे की मशीन है, आलू छिलने की मशीन है, सब बनती हैं, तैयार होती हैं।
और कीमे की मशीन के हवाले से हमारे पास कमर्शियल की मशीन भी है और हमारे पास घरेलू इस्तेमाल की मशीन भी है और पकवान सेंटर की भी है, कैंटीन की भी है, ठीक है। और जो बकरा ईद की आमद है उसके सिलसिले में जो गली और चौकों पे जो मशीनें लगती हैं उस हवाले से भी कमर्शियल मशीनें हमारे पास हैं। यानी कि 25,000 रुपये के अंदर आप अपना बिज़नेस जो है वो 3 दिन का बकरा ईद का आप कर सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा फिर हमारे पास ग्राइंडर मशीन है, घर की है, कमर्शियल है, जिसके अंदर आप गरम मसाला, दाल, चीनी, लौंग, इलायची, ज़ीरा, हल्दी पीस सकते हैं और इसके अलावा अदरक, लहसुन, चटनी, रायता ये पीस सकते हैं, ठीक है। फास्ट फूड मतलब किचन के हवाले से कमर्शियल किचन हम पूरा तैयार करके देते हैं भाई, और किचन के हवाले से सारे इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, तो अच्छा हम भी ये बताइएगा कि आपके पास जो कीमे की मशीनें होती हैं वो कितने रेंज तक की होती हैं और उसकी क्या क्या थोड़ी सी प्राइस भी हल्की सी गाइड कीजिएगा। सर, हमारे पास घरेलू इस्तेमाल की मशीन जो है वो 12 नंबर है, जिसमें आधे हॉर्स पावर की मोटर लगती है, वो आपको अभी इस टाइम मिलेगी 12,000 रुपये की, ठीक है। इसके बाद आती है 22 नंबर की मशीन, वो आपको मिलेगी 18,000 रुपये की। इसमें फिर आती है कमर्शियल यूज़ की 32 नंबर की मशीन, वो इस टाइम उसके प्राइस हैं 25,000 रुपये की। और इसके बाद फिर 37 नंबर भी है, 40 नंबर भी है, 2 हॉर्स पावर का मोटर भी लगता है, 1.5 का भी लगता है, 1 का भी लगता है। ये तो फिर कस्टमर के ऊपर है, जिस हिसाब से उनका काम होता है उस हिसाब से उसके रेट बनते हैं भाई। सही नहीं, आप मशीन तैयार करके भी देते जिस हिसाब से? जी, अगर किसी दुकानदार को भी चाहिए तो हम उसको होल सेल पर भी देंगे। हमारा माल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इंटीरियल सिंध वगैरह और क्या बोलते हैं हैदराबाद, सक्कर और नवाबशाह वगैरह और पंजाब भी जाता है हमारा माल, और वहाँ से आता भी है। सारे आइटम इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर में मौजूद हैं हमारे पास। अच्छा जी, तो ये कि उन भी ये बता दें कि डिलीवरी की क्या तरतीब होती है, पूरे पाकिस्तान में आप डिलीवर कर रहे हैं जी, उसकी क्या कैश ऑन डिलीवरी है या एडवांस पेमेंट पहले लगानी पड़ेगी? नहीं, बस अगर किसी भी मतलब आउट ऑफ सिटी से किसी बंदे को कोई मशीन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो वो व्हाट्सएप पर मुझे तस्वीर मैं उसको भेजूंगा और वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करेगा और उसके दरवाजे पे उसकी चीज़ पहुंच जाएगी। ऑनलाइन अच्छा, काम भी जो है वो हमारा चल रहा है। पेमेंट पहले एडवांस लगानी पड़ेगी? एडवांस लगाते हैं या मतलब जैसे मशीन पहुंच जाए और उसी टाइम आप उसे पेमेंट कर दें। अच्छा ठीक है। अच्छा उन भी ये बता दें कि ये शॉप की टाइमिंग क्या है आपकी? सर, हमारी टाइमिंग है सुबह 10 से रात 8 बजे की। अच्छा, थोड़ी सी लोकेशन भी समझा दें, थोड़ी सी दिक्कत होती है आने में। जी, ये मेन हमारा अपना जोड़िया बाजार, निगार सलमा, निस्तर रोड, ठीक है, नस्त 12 इमाम के बिल्कुल सामने अली सन्स फूड मशीनरी है। तो वीवर, जैसा कि आपने उन भाई की ज़बानी सुना कि इनके पास फास्ट फूड की तमाम तरह मशीनरी होती है और ये इनकी अपनी क्रिएशन है, ख़ुद तैयार करवाते हैं, इनका कारखाना है। तो आखिर में इंशाल्लाह इनके कारखाने का थोड़ा सा आपको विज़िट भी कराएँगे कि वहाँ पर कौन सी मशीनरी तैयार हो रही है और सारा स्टॉक आपको इंशाल्लाह दिखाएँगे। तो भी करते हैं वीडियो स्टार्ट, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो मैक्सिमम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आखिर में इंशाल्लाह भाई का व्हाट्सअप नंबर भी आपको देंगे, इंशाल्लाह मुकम्मल लोकेशन भी आपको समझाएंगे। तो भी करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओनली कहाँ से स्टार्ट? सर, ये हमारे पास पिज़्ज़े का सिस्टम है। अच्छा, ये पिज़्ज़े का डो बनाने वाली मशीन है। अच्छा, इसके अंदर आपका 5 किलो ऑफ पिज़्ज़े का डो बनेगा। अच्छा, ठीक है। इस डो बनने के बाद जो है सर, ये ओवन है, ये पिज़्ज़ा ओवन है, ये एनी टाइम इसकी कैपेसिटी है 6 लार्ज पिज़्ज़े की। अच्छा, इसके अंदर एनी टाइम आप 6 लार्ज पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसके बाद फिर ये हमारे पास है डिस्प्ले काउंटर, डिस्प्ले वार्मर है ये, इसके अंदर बर्गर, सैंडविच वगैरह जो है ये, इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है और ये हीट मतलब आपके मटेरियल को गर्म नहीं होने, ठंडा नहीं होने देगा, ये गर्म ही रखेगा इस मटेरियल को जी। और इसके बाद फिर हमारे पास ये ग्राइंडर हैं, ये लोकल ग्राइंडर हमारे अपने बने हुए हैं। इसमें 1 पाव का भी है, 1/2 किलो का भी है और 2 किलो का भी है, 1 किलो का भी है। ये कमर्शियल यूज़ भी आते हैं और ये लोकल भी हैं, मतलब घर के लिहाज से भी है जी। इसकी कीमत जो है भाई 3,500 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक की है जी। ये ग्राइंडर है, इसके अंदर आप गरम मसाला, दाल, चीनी, लौंग, इलायची, ज़ीरा, हल्दी, जो ड्राई आइटम है वो सब आप पाउडर कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल पाउडर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगी और गारंटी के साथ है जी। ये हमारा अपना ब्रांड है ऑन अली के नाम से, अली सन्स फूड मशीनरी, ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है जी। इसके अलावा फिर भाई ये हमारे पास काउंटर बनते हैं, ये बर्गर का काउंटर है, ठीक है, ये पूरा हॉट प्लेट के साथ पूरा बर्गर का काउंटर बना हुआ है, ये शॉर्मे का काउंटर है,
शवरमा मशीन जो आजकल लगी हुई है गली में चौकों पे लगी हुई है, ये उस हवाले से वो काम करने वाली मशीन है। और ये तकरीबन 1 लाख रुपए के अंदर आप शोरमे का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं भाई। 1 लाख रुपए के अंदर महीना आप 1000 रुपए कमा सकते हैं इसमें। ठीक है भाई, ये वाला काउंटर 85,000 रुपए का है। ये बर्गर का है, जैसे वो अपना बर्गर बने हुए होते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ बर्गर पॉइंट के बर्गर होते हैं, हाँ प्रोफेशनल जिंगर बर्गर हो गए और वो चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, ये उस हवाले से बर्गर है। बर्गर का काउंटर है पूरा, इसके अंदर हॉट प्लेट भी लगी हुई है जी। ये पूरा काउंटर 85,000 रुपये का। और फिर ये बकरा ईद के हवाले से जो है भाई, ये कीमे की मशीनें हैं हमारे पास, ये कीमे की मशीन है, विदाउट मोटर है, विद मोटर है, स्टील के अंदर है, लोहे में है जी। और इसके अंदर भी साइज़ है, 22 नंबर है, 12 नंबर है, 32 नंबर है, जो साइज़ आपको चाहिए वो मिल जाएगा। अगर कमर्शियल चाहिए कमर्शियल मिल जाएगा, घरेलू चाहिए घरेलू मिल जाएगी, कैंटीन के लिए पकवान के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाएगा जी। सब आइटम जो है हमारे पास मौजूद हैं हाज़िर में जी। ये 22 नंबर की मशीन है, अभी इस टाइम ये विदाउट मोटर है, ये आपको विदाउट मोटर मिलेगी 9,000 रुपये की, और इसके ऊपर मोटर आप लगा लेंगे तो ये आपको मिलेगी 15,000 रुपये की। इसके बाद फिर एक ही ये मशीन है, ये स्टील के अंदर बनी हुई है, स्टील का फ्रेम है इसका, 22 नंबर मशीन है, इसमें भी अगर आप मोटर लगा लेंगे तो ये आप मोटर के साथ आपको मिलेगी 18,000 रुपये की जी। विदाउट मोटर ये 11,000 रुपये की है जी। इसके अलावा फिर हमारे पास ये घास काटने की मशीन है जी, ये जो अपना बकरा ईद के सीज़न के हवाले से जो स्टॉल लग जाते हैं हर गली हर चौक पे, तो ये उस हवाले से मशीन जो है कुत्तर करने की है जी, ये पूरी कुत्तर करने की मशीन है, ये आपको विद कंप्लीट मोटर के साथ मिलेगी 45,000 रुपये की जी। और इसके अलावा फिर ये आ गए हम बाहर, कमर्शियल मशीन है हमारे पास ये जी, कमर्शियल है, 37 नंबर है, 40 नंबर है, 32 नंबर है, 37 नंबर है, ये सारी कमर्शियल मशीनें रखी हुई हैं, विद मोटर है जी। इसमें 30,000 रुपए की भी है, 35,000 रुपए की भी है और 25,000 रुपए की भी है जी। सारे साइज हमारे पास अवेलेबल है जी। मोटर की इसकी गारंटी 1 साल होती है, और मशीन काम नहीं करे कोई मसला परेशानी हमारी जवाबदारी है जी। जी जी हम बना के देते हैं, हमारी जवाबदारी हमारी गारंटी है वो जी। अभी जो है मैं आपको अपनी वर्कशॉप पे लेके जा रहा हूँ, और वहाँ पे जो जो आइटम हम तैयार करते हैं और जो जो हमारे पास स्टॉक रखा है वो सब आपको दिखाता हूँ। सर ये हमारी वर्कशॉप है और यहाँ पे काम होता है, ठीक है। और ये अभी हमारे पास ये मिक्सर पड़ा हुआ है, इसके अंदर केमिकल मिक्सिंग वगैरह, सरफ मिक्सिंग जो है वो सारे मिक्सिंग के काम होते हैं ये, ठीक है। ये मिक्सर मशीन है, ये देखिए, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास ये आटा गूंदने की मशीन पड़ी हुई है, ये 100 किलो आटा जो है वो 5 मिनट के अंदर गूंदेगी जी। 100 किलो आटा इसके अंदर हमारे पास, कम साइज़ का भी है, बड़ा साइज़ का भी है, 50 किलो वाली भी है, 30 किलो वाली भी है। और ये रोटी का प्लांट है, रोटी का प्लांट जी, ये रोटी का प्लांट है, इसके आप एक तरफ से रोटी रखेंगे और दूसरी तरफ से आपको रोटी तैयार मिलेगी, ठीक है। दूसरी तरफ से आपको रोटी इसकी तैयार मिलेगी जी। ये जो है ना भाई, ये रेंजर्स में, आर्मी में, पुलिस में, एयरफोर्स में ये मशीनें वहाँ लगती हैं, ठीक है भाई। और इसके अंदर फिर ये एक छोटी मशीन आटा गूंदने की, ये भी है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है 30 किलो की, ये भी हाजिर में हमारे पास मौजूद है। और ये आटा पीसने की चक्की है, इसके अंदर आटा आप पीस सकते हैं, गर्म मसाला और चने का बेसन बना सकते हैं, इसके अंदर बाजरे का आटा, गंदम का आटा, ये सारे कमर्शियल यूज़ की मशीन है ये। प्राइस भी इसकी गाइड कर दीजिएगा जी। ये आपको चक्की मिलेगी 40,000 रुपये की, 40,000 रुपये की। और ये वाली आटे वाली, ये आटा गूंदने की मशीन है, ये आपको मिलेगी 65,000 रुपये की। और वो वाली जी, जो रोटी, ये रोटी का प्लांट 3.5 लाख रुपये का, 3.5 लाख रुपये जी। और ये वाली, ये 1.5 लाख रुपये की है, और ये 85,000 रुपये की मिक्सर मशीन है। सही है, अभी हम आए हैं अपने कारखाने के में, और ये हमारे पास किचन के इक्विपमेंट मौजूद है। ये हॉट प्लेट है जिसके ऊपर बर्गर बनता है जी, जिंगर बर्गर, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, ये उस हवाले से हॉट प्लेट है। अच्छा, ये इसके ऊपर जो ये सेट रखा हुआ है, ये पकवान का सेट है। इसके अंदर प्याज, गाजर, मूली, शलजम, लौकी, टमाटर ये कटते हैं, और इसके अंदर अदरक, लहसुन, कीमा, हरी मिर्चें, चटनी ये बनाई जाती है। आजकल जो भी आपने पकवान वाले देखे होंगे उनके पास ये मशीन लाजमी मौजूद होगी, अगर प्रोफेशनल काम करने वाले हैं तो उनके पास ये मशीन लाजमी मौजूद होगी पकवान की जी। इसके अलावा फिर ये हमारे पास ये कीमे की मशीन है, एसएस के अंदर, ये एसएस के अंदर बनी हुई है, देखें
जी, ये SS पूरा कवर्ड किया हुआ है इसमें। और कुछ लोग आते हैं जैसे बड़े रेस्टोरेंट वाले होते हैं जो मतलब उनको फूड ग्रेड मशीनरी चाहिए होती है, तो ये फूड ग्रेड के अंदर हमने बनाई हुई है SS के अंदर। जी SS में भी मिल जाती है हमारे पास। जी सर, इसकी हॉट प्लेट की प्राइस है 30,000 रुपये, और इसी में की ये बड़ी हॉट प्लेट है ये 40,000 रुपये की है, और ये कीमे की मशीन है ये 45,000 रुपये की है। जी अच्छा, इसके अंदर भी इसमें 1 हॉर्स पावर का मोटर, 2 हॉर्स पावर का मोटर लगता है, तो अगर 2 हॉर्स पावर के साथ लेंगे तो ये आपको मिलेगी 32,000 रुपये की, 1 हॉर्स पावर के साथ लेंगे तो आपको मिलेगी 26,000 रुपये की। जी इसके अलावा फिर ये हमारे पास से ये मशीनें लेके गए थे लास्ट ईयर, तो इस साल ये बकरा ईद के मौके पे जो है ना ये सर्विस करवाने के लिए मशीनें लेके आए हमारे पास कि भाई इस साल फिर वो 3 दिन जो है बकरा ईद का काम करेंगे, और इसकी जो सर्विस है जो धार वगैरह लगनी है वो लगाने के लिए वो लेके आए हमारे पास। जी जी बिल्कुल, सर्विस भी हम इसकी रिपेयरिंग सर्विस धार जो है हर चीज़ हम सारा खुद करते हैं काम। ठीक है सर, इसके अलावा फिर ये हमारे पास ये काउंटर है, ये सालन, इसे सालन की बहन मेरी कहते हैं। अच्छा। जैसे बड़े रेस्टोरेंट में और बड़े इदारों के अंदर जो किचन बने हुए होते हैं, जहाँ कंपनियों के अंदर जहाँ पे वो उनकी लेबर का खाना बनता है। अच्छा। तो ये सालन की डिश है। जी इसके अंदर सालन होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक है, इसमें सालन आप डालेंगे तो सालन आपका मेंटेन ही रहेगा, गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं होगा। अच्छा। जी इसकी ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम इसका ये लगा हुआ है यहाँ पे। जी ठीक है, ये बैंड मेरी है, ये सालन का काउंटर है, और इसके अलावा सर ये 1,20,000 रुपये का। जी और इसके अलावा फिर ये कारखाने के अंदर जो मतलब माल पड़ा हुआ होता है, जो लवाजमात होते हैं, वो सारे हमारे पास मौजूद हैं इनके हवाले से। बिल्कुल, कच्चा माल भी मौजूद है, बना हुआ भी है, और कुछ बन भी रहा है। अच्छा। हर चीज़ है। अच्छा, जो चीज़ आर्डर पे तैयार करवाना चाहे। जी जी, आपको जो चीज़ रेस्टोरेंट के हवाले से चाहिए, आर्डर पे बनवानी है, आपकी अपनी फरमाइश पे बनवानी है, वो सब चीज़ बन जाएगी। जितना बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, जी हर चीज़ आपको पूरा कमर्शियल किचन तैयार करके देते हैं हम। अच्छा, जी चलें, अब मैं आपको एक और मेरा तीसरा गोदाम जो है मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ, और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ मौजूद है। ठीक है, ये हमारा तीसरा गोदाम है, ये देख लें, ये सारी फास्ट फूड की मशीनरी, पिज़्ज़े की मशीन, आटे की मशीन, चक्की, पिज़्ज़ा, ये वार्मर है, ये हर चीज़ हमारे पास हाजिर में मौजूद है। ठीक है, और ये आपको हर चीज़ जो है होल सेल रेट पर मिलेगी, और अगर किसी ने यहाँ से मतलब दुकानदार को किसी को माल चाहिए उसको भी होल सेल रेट पे मिलेगा, और क्वांटिटी में भी अगर चाहिए तो मिल जाएगा, हमारे पास सब चीज़ मौजूद है। ये तीसरा गोदाम भी हमने आपको अपना विज़िट करवा लिया है। ठीक है, और इसके अलावा ऑर्डर पे भी हम तैयार कर देंगे, और पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवरी भी आपको पहुँचा के देंगे। अच्छा, कीमे के हवाले से आपको छोटे से लेके बड़ी कोई भी मशीन चाहिए हो सब अवेलेबल मौजूद है हमारे पास, और पूरे पाकिस्तान में आपको हम डिलीवर करवा देंगे भाई। फास्ट फूड की भी, आपको पिज़्ज़े की भी, बारबेक्यू की भी, सारी सारे आइटम मौजूद हैं हमारे पास भाई। तो ऐसी प्राइस है कि कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जी जी भाईजान, आप 1,00,000 रुपये के अंदर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 25,000 रुपये में भी कर सकते हैं, 50,000 रुपये में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें। जी सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03212203664। ऑन अली नाम है मेरा, अली सन्स फूड मशीनरी शॉप का नाम है। ठीक है जनाब, शुक्रिया। छुरी, इसके साथ साथ मशीनरी के साथ साथ हमारा ये छुरी धार का भी काम है। ठीक है, इसके अंदर छुरी की भी धार लगती है, कैंची भी, और बकरा ईद के हवाले से खाल काटने की छुरी, खाल उतारने की छुरी, ज़िबा करने की चापड़, हर चीज़ की धार का काम है। अच्छा। जी, और ये हमारा बेसिक जो है ना काम पहले धार का ही था, उसके बाद फिर हम मशीनरी लाइन के अंदर आए। जी हाँ, ये मैं आपको धार की भी बना के दिखाता हूँ। ये बेसिक हमारा जो पुराना काम जो है ना वो ये धार का है। हाँ, इसके अलावा फिर जो है हम वो मशीनरी के अंदर आए, लेकिन हमारी पहचान यही है धार है। जी अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? आपका नाम जनाब? आपका नाम जनाब? आप भी यही काम करते हैं भाई के पास, अन भाई के पास? कितने अर्से से काम कर रहे हैं माशाल्लाह? अच्छा, क्या काम यहाँ आप सर अंजाम देते हैं? अच्छा, कारीगर हैं आप? अच्छा माशाल्लाह, सो सही है माशाल्लाह सेटअप। हम तो सही है, ये हमारे फोरमैन है कारखाने। अच्छा, कारखाने के फोरमैन है। अच्छा, अरे भाई कितने अर्से से आप यहाँ पर? 12 साल से। अच्छा, तो माशाल्लाह मशीन भी आपके पास किस तरह की होती है, आप बनाते हैं, आपको पता होगा? 12 नंबर की, 22 नंबर की। अच्छा, 25 नंबर की जो होती है, 40 नंबर की मशीनें टैट बनाते हैं। कंप्लेंट तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। देख लो,
पूरे पाकिस्तान से लोग आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। तो आप बताइए जनाब, आप यहाँ पर क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? अच्छा, इस तरीके से सही है माशाल्लाह, अपने तैयार करते हैं सब कुछ। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है भाई, भाई है। अच्छा ठीक है जनाब।